स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, घूमना फिरना आखिर किसे पसंद नहीं है। यही कारण है कि जहां एक ओर स्टूडेंट्स पूरे साल अपनी समर वेकेशंस का वेट केवल इसलिए करते हैं ताकि फैमिली के साथ कहीं टूर पे जा सकें, तो वहीं दूसरी ओर वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने बिजी स्केड्यूल में लॉन्ग वीकेंड्स ढूंढते नजर आते हैं। ऐसे में जैसे ही हम में से किसी को भी कहीं टूर पर जाने का मौका मिलता है, हम फौरन उसे लपक लेते हैं और फिर इन सभी हैशटैग वंडरलिस्ट एंथुसियास्ट का सारा सोशल मीडिया अकाउंट इन टूर्स के फोटोज और वीडियोस से भर जाता है। वैसे इस मामले में हम इंडियन लकी भी हैं। आप चाहे माउंटेन्स और कॉलिंग कैटेगरी के हों या फिर हार्डकोर बीच लवर, वाइल्ड लाइफ की नेचुरल सीनिक ब्यूटी पसंद करते हों या फिर हार्डकोर एडवेंचर स्पोर्ट्स, हमारा देश हर तरह की संभावनाओं से भरा पड़ा है। यही कारण है कि हमें अगर घूमने का मौका मिल भी जाए तो सबसे जटिल प्रश्न ये आकर खड़ा होता है कि आखिर हमें जाना कहाँ चाहिए। और ऐसा कन्फ्यूजन हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश में हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, इतने ऑप्शंस हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया भर से भारत आने वाले टूरिस्ट की पहली पसंद क्या है? आगरा का ताजमहल? शायद नहीं। खजुराहो के मंदिर? नहीं, वो भी नहीं। तो फिर तो ज़रूर राजस्थान के मेजेस्टिक फोर्ट्स या फिर हरा भरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही होगा, लेकिन इसका जवाब वो भी नहीं है। तो फिर आखिर क्या है भारत में वर्ल्ड की नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन? इसका जवाब है तमिलनाडु। जी हाँ, मेनलैंड इंडिया के सदर्न टिप पर स्थित राज्य तमिलनाडु। मई 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा रिलीज रिपोर्ट इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2021 के अनुसार 2020 में टूरिस्ट अराइवल के मामले में तमिलनाडु देश में फर्स्ट रैंक पर था। वहीं अक्टूबर 2022 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा रिलीज इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 के अनुसार भारत में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट द्वारा आगरा के ताजमहल से ज्यादा टूरिस्ट तमिलनाडु के महाबलीपुरम टेम्पल को देखने गए और इसीलिए वो फॉरेन टूरिस्ट द्वारा भारत का मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट बन गया। अब अगर सारी दुनिया तमिलनाडु को देखने आ रही है तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब भी टूरिज्म की बात आती है हमारे जहन में तमिलनाडु का नाम पहले नहीं आता। शायद हम अभी भी तमिलनाडु के टूरिज्म पोटेंशियल के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं। तो चलिए आज हम भारत के इस खूबसूरत राज्य को जरा करीब से जानते हैं कि आखिर क्यों ये वर्ल्ड के लिए नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएसई 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 9th ऑफ मार्च से हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि तमिलनाडु की कल्चरल हिस्ट्री 4000 साल से भी ज़्यादा समय से यूं ही कंटिन्यूसली चली आ रही है। यही कारण है कि आज वर्ल्ड में कॉमनली बोलचाल के लिए यूज़ हो रही लैंग्वेजेस में से तमिलनाडु को ही ओल्डेस्ट माना जाता है। एंशियंट टाइम से ही तमिलनाडु के रूलर्स जैसे चोला, पांड्या और पल्लवा किंग्स ने ऐसे बहुत से एंशियंट मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स और मोस्ट नोटेबल टेम्पल आर्किटेक्चर से इनरिच किया है। वहीं तमिलनाडु में हमें भारत के मोस्ट रिमार्केबल म्यूजिक, डांस, फोक आर्ट्स और फाइन आर्ट्स की लिविंग ट्रेडिशन जैसे भरतनाट्यम, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल म्यूजिक, पोइक्कल कुथिराई, थप्पतम, विलुपट्टू, थेरुकूटू और पुलियत्तम जैसे बहुत से प्राइम एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। यही नहीं, तमिलनाडु अपने टेम्पल टाउन के अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, हिल स्टेशंस, वाटरफॉल्स, नेशनल पार्क्स, लोकल क्विजीन, नेचुरल एनवायरनमेंट और विविड वाइल्ड लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा के अनुसार तमिलनाडु में ही भारत की लार्जेस्ट टूरिज्म इंडस्ट्री मौजूद है, जिसे डोमेस्टिक टूरिस्ट का 21.31% और फॉरेन टूरिस्ट का 21.86% शेयर विजिट करता है। साथ ही हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अब्सेंस में तमिलनाडु टूरिस्ट के लिए एक ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहता है। ऐसे में
260 बिलियन डॉलर की जीडीपी वाला ये तमिलनाडु स्टेट, जो इकोनॉमी के मामले में महाराष्ट्र के बाद भारत का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, अपने इनकम का एक बड़ा सोर्स टूरिज्म सेक्टर से ही अर्न करता है। तो चलिए अब हम तमिलनाडु के टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि हम समझ सकें कि आखिर तमिलनाडु में ऐसा क्या है कि वो दुनिया भर के लिए भारत का टूरिज्म कैपिटल बना हुआ है। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि तमिलनाडु स्टेट का इतिहास चोला, चेरा और पल्लवा एम्पायर जैसे आर्टफुल डायनेस्टी से भरा पड़ा है। ऐसे में इनके द्वारा अपने रूल के दौरान बनाए गए हेरिटेज साइट्स भी तमिलनाडु की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिन्हें अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी स्थान मिल चुका है। इन्हीं में से एक है चोला टेम्पल्स, जिसे फेमस चोला रूलर राजाराजा चोला और उनके बेटे राजेंद्र चोला ने लगभग 11th और 12th सेंचुरी में बनवाया था। इन टेम्पल्स में थंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल लगभग 250 साल तक चोला एम्पायर की कैपिटल रही, गंगईकोंडा चोलापुरम और दरासुरम का एरावतेश्वरा टेम्पल प्रमुख है। ये सभी साइट्स अपने ड्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट यूनेस्को साइट वही है जिसने टूरिस्ट फॉल के हिसाब से ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबलीपुरम के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की, जिन्हें 7th और 8th सेंचुरी के अराउंड पल्लवा किंग्स ने बनवाया था। लेकिन आप इनकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2004 में आई सुनामी भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इन मॉन्यूमेंट्स में महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, 7 पगोडास, डिसेंट ऑफ गंगा और अर्जुनास पेनिक के नाम से मशहूर रॉक रिलीव्स, रथ टेम्पल्स और मडपास के रूप में स्थित केव सेंचुरी शामिल हैं। यही नहीं, जैसा हमने आपको बताया कि तमिलनाडु न केवल अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स के लिए बल्कि सीनिक ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ के नीलगिरी माउंटेन का रेलवे सिस्टम भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ नीलगिरी के रग्ड माउंटेनियस टेरेन में भी इफेक्टिव रेल लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए इंजीनियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का प्रयोग किया गया है। साथ ही गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैली वेस्टर्न घाट भी अपने बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। लेकिन तमिलनाडु का टूरिज्म पोटेंशियल केवल इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तक ही सीमित नहीं है। अगले सेक्शन में हम जानते हैं कि तमिलनाडु में और कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवेलेबल हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तमिलनाडु में 34,000 से भी ज्यादा हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादा टेम्पल्स का इतिहास कई सौ साल पुराना है। यही कारण है कि यहाँ के मदुराई, रामेश्वरम, श्रीरंगम और कांचीपुरम जैसे टेम्पल टाउन्स को देखने के लिए धार्मिक अनुयायियों के साथ साथ दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आफ्टर ऑल, कभी पल्लवा किंगडम की कैपिटल रही कांचीपुरम के कैलाशनाथ टेम्पल, एकाम्बेश्वर टेम्पल, कामाक्षी अम्मन टेम्पल, त्रिलोक्यनाथ टेम्पल और वर्धा राजा पेरुमल टेम्पल तो अपने ड्रविडियन आर्किटेक्चर के लिए देश विदेश में मशहूर है। इस तरह टेम्पल सिटी के नाम से मशहूर मदुराई में भी पांड्यान और नायक किंग्स द्वारा हजारों टेम्पल्स का निर्माण किया गया है, जिनमें से विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी अमन टेम्पल तो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसी तरह रामेश्वरम में स्थित लॉर्ड शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक स्थित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ साथ 4 धामों में से भी एक है। ऐसे में हिंदूज के लिए रामेश्वरम का महत्व अनपैरेलल्ड है। वहीं रॉकफोर्ट सिटी के नाम से मशहूर तिरुचिरापल्ली में हमें एक और 3.8 बिलियन ईयर्स पुराने वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, जो कि हिमालयाज और ग्रीनलैंड से भी पुराने हैं। तो वहीं दूसरी ओर यहां हमें 7th सेंचुरी का हिंदू टेंपल उच्ची पिलायार भी देखने को मिलता है। वहीं त्रिचि के पास ही स्थित श्रीरंगम में हमें श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल भी देखने को मिलता है, जहां भारत का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्थित है। वहीं इस टेम्पल का गोपुरम, जिसे राजा गोपुरम कहा जाता है, वो लगभग 72 मीटर की हाइट के साथ एशिया में टॉलेस्ट है। तमिलनाडु के एंशियंट टेम्पल टाउन से अलग यहाँ ध्यानालिंगा का योगिक टेम्पल भी देखने को मिलता है, जिसे ईशा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु द्वारा बनवाया गया है। दोस्तों, यहाँ मौजूद 112 फुट आदियोगी स्टैचू को आपने अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट में देखा होगा। दोस्तों, हमने इतने मंदिरों को डिस्कस करा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तमिलनाडु केवल हिंदू रिलीजन से एसोसिएटेड प्लेसेस के लिए जाना जाता है। बल्कि अगर हम ध्यान दें तो तमिलनाडु अपने आप में भारत के सर्वधर्म संभाव का प्रतीक है। यही कारण है कि यहाँ स्थित वेलांकन्नी एक सिग्निफिकेंट रोमन कैथोलिक श्राइन है, जो कि वर्जिन मैरी को डेडिकेटेड है, और इसी कारण से वेटिकन सिटी के पोप ने वेलांकन्नी को होली सिटी डिक्लेयर किया है, जिसके चलते यहाँ खास तौर पर क्रिश्चियन फेथ को मानने वाले लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी तरह तमिलनाडु के अरवाड़ी में 12th सेंचुरी के हजरत सुल्तान सैयद इब्राहिम शहीद बदुशा की ग्रेव मौजूद है, और यहाँ लगने वाले एनुअल संथाना कुडू फेस्टिवल में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह तमिलनाडु का कलगुमलाई के फेमस जैन बेट्स अपने 8th से 9th सेंचुरी एडी में बने रॉक रिलीफ स्कल्पचर्स और जैन तीर्थांकर भगवान
पर्शवानाथा के रॉक कट इमेज के लिए जाना जाता है। वहीं कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित चित्राल जैन मॉन्यूमेंट्स या चित्राल मलाई कोविल 6th century में बने दिगाम्बरा जैन टेम्पल्स, पुडुकोटाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित सिताना वेसल केव और मदुराई के पास स्थित समनार हिल्स रॉक कॉम्प्लेक्स भी जैन रिलीजन के दूसरे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मिलकर तमिलनाडु के कल्चरल डाइवर्सिटी, रिचनेस और टूरिस्ट पुल वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु का टूरिज्म सेक्टर केवल कल्चरल और रिलीजन पे बेस्ड आर्किटेक्चरल मार्वल्स तक ही सीमित है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। यही कारण है कि तमिलनाडु टूरिज्म की ऑफिशियल टैगलाइन भी इनचैंटिंग तमिलनाडु है। तो वो कौन सी सीनिक ब्यूटी है जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इनचैंट कर देती है, आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप तमिलनाडु की ज्योग्राफिक लोकेशन और टॉपोग्राफिक डिटेल्स पर गौर करें तो आप पाएंगे कि ये भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां पर हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों घाट देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु में 50 से ज्यादा हिल स्टेशन मौजूद हैं, जिसमें ऊटी के नाम से प्रसिद्ध उडगमंडलम, कोडैकनाल, येराकोड, कुनूर, वलपराई, येलागिरी, सिरुमलाई, कोटागिरी, कोली हिल्स, मेघामलाई, पचाईमलाई हिल्स, जवाड़ी हिल्स और कल्याण हिल्स प्रमुख है। यही नहीं, यहाँ के नीलगिरी हिल्स, पलानी हिल्स, शिवरा हिल्स और कैडमोम हिल्स अपने थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इन हिल्स और यहाँ से निकलने वाली वाटर स्ट्रीम्स और बरसाती नदियों की वजह से पूरे तमिलनाडु में बहुत से वाटरफॉल्स बिखरे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, स्पा ऑफ द साउथ के नाम से मशहूर कोटलम वाटरफॉल कर्नाटका बॉर्डर से लगा हुआ होगेनक्कल फॉल्स अपने इको टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। ईस्टर्न घाट के कोली हिल्स में स्थित अगाया गंगई वाटरफॉल्स, कोटागिरी में स्थित डबल कैस्केडेड वाटरफॉल इफेक्ट वाला कैथरीन फॉल्स और इसी तरह तमिलनाडु में किलियूर फॉल्स, सुरुली फॉल्स, थिरुपरप्पू वाटरफॉल्स इत्यादि स्थित हैं। यही नहीं, भारत के समुद्र तट से लगा हुआ तमिलनाडु राज्य अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन बीचेस में से एक मरीना बीच, एलियोट बीच और कुशी अरियामान बीच अपनी सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ डेवलप हो रहे एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के लिए भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर एंशियंट टाइम में ग्रीस और रोम से टी ट्रेड स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पुम्पुहार बीच और पलवा किंगडम के फेमस सीपोर्ट महाबलीपुरम बीच का भी अपना अलग महत्व है। यही नहीं, तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी के रूप में मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट स्थित है, जहां अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल को आपस में मिलता देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां पर आते हैं। वहीं अगर आप तमिलनाडु के ज्योग्राफिकल फीचर्स पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहां की नेचुरल ब्यूटी केवल सीनिक हिल स्टेशंस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ रिचनेस भी उतनी ही दर्शनीय है। तो चलिए अब हम तमिलनाडु के इस एस्पेक्ट को भी जान लेते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में चिदम्बरम के नजदीक पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट के रूप में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट स्थित हैं, जहां 200 से ज्यादा स्पीसीज की बर्ड्स के साथ साथ सीवीड, प्रॉन्स, क्रैब्स, फिश, ऑयस्टर्स, टर्टल्स और ऑटर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के पास तमिलनाडु में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए, नीलगिरी हिल्स की गोद में स्थित मुदुमलाई नेशनल पार्क, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन एंशियंट हिल रेंज होता है। यहाँ अगर नीलगिरी तहर, इंडियन एलिफेंट, टाइगर, फ्लाइंग स्क्वायरल, सांभर, नीलगिरी लंगूर और इंडियन लेपर्ड जैसी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज को देख सकते हैं। इसी तरह इंडिया के फर्स्ट इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट और नीलगिरी तहर जैसी कीस्टोन स्पीसीज के लिए फेमस मुकुर्थी नेशनल पार्क, फेमस वाटरबर्ड सेंचुरी वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी प्रोजेक्ट टारगेट के अंडर स्टैब्लिश किए गए अनामलाई टारगेट रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, 21 स्मॉल आइलैंड्स और कोरल रीफ से मिलकर बनी द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंडेंजर्ड ब्लैक बक और स्पॉटेड डियर के लिए मशहूर गुंडी नेशनल पार्क इत्यादि। लेकिन इस सब के बाद भी तमिलनाडु आने वाले टूरिस्ट केवल यहाँ घूमने फिरने ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु उन्हें और कुछ भी ऑफर करता है जो उन्हें कोई और नहीं कर पाता। तो क्या है वो चीज, आइए अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूँ तो तमिलनाडु वैसे भी दुनिया की कुछ उन लिमिटेड प्लेसेस में से एक है जहां सिद्धा, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और उनई जैसे अल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज मौजूद है। लेकिन इस सब के बीच भी हाल के कुछ सालों में गेटवे टू द साउथ इंडिया माना जाने वाला चेन्नई
बीते एक दशक में एशिया का नया मेडिकल टूरिज्म हब बनकर उभरा है। 2019 में तमिलनाडु के फॉर्मर मिनिस्टर फॉर टूरिज्म वेलामंडी एन नटराजन ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि भारत का लगभग 40% मेडिकल टूरिज्म चेन्नई में ही कंसंट्रेटेड है, जिसके चलते देश विदेश से लोग यहाँ अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत दुनिया का 10th मोस्ट अट्रैक्टिव मेडिकल टूरिज्म हब है। वहीं रिसेंट अवेलेबल डेटा के अनुसार यहाँ आने वाले ज्यादातर फॉरनर अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज से आते हैं, जो कि मोस्टली कार्डियक बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हिप रिप्लेसमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और आई सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ के कंपेरेटिवली चीपर कॉस्ट और यहाँ मौजूद वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से अट्रैक्ट होकर आते हैं। साथ ही इसका एक बड़ा कारण चेन्नई को मिला अर्ली स्टार्ट भी है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1980s में चेन्नई में एस्टैब्लिश हुआ अपोलो हॉस्पिटल इंडिया का फर्स्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल था और तभी से ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ एक्सपर्ट्स और स्टेट ऑफ द हेल्थ टेक्नोलॉजीज का भी हब बनकर उभरा है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि तमिलनाडु के टूरिज्म सेक्टर के मल्टीपल डायमेंशंस किस तरह ऐसे वर्ल्ड के लिए न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं। अगर इस वीडियो के अलावा भी आपको लगता है कि तमिलनाडु की कुछ बहुत खास डेस्टिनेशन हैं जो हमने मिस कर दी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर बताइएगा और साथ में उनका महत्व भी मेंशन करिएगा और ये भी बताइएगा कि अगली छुट्टियों में आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। और इसी सवाल के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में कहा कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिहाज से काफी ज्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, टूरिज्म कैन बिकम वन ऑफ द मेनस्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इफ सर्टेन बेसिक इश्यूज आर टेकन ऑफ एग्जामिन। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।